अगर आपके पास Redmi, Xiaomi या Poco का डिवाइस है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कौन कौन सा डिवाइसेस को HyperOS 2.2 नहीं मिलेगा। ऑफिशियली अगर आपको जानना है कि आपका डिवाइस का नाम इस लिस्ट में है कि नहीं, और ये ऑफिशियल लिस्ट नहीं है बट हाँ ये मोस्ट प्रॉबली हो सकता है। तो देखो ये आपका फर्स्ट लिस्ट है Xiaomi डिवाइसेस के लिए, और फर्स्ट आपका डिवाइस है Xiaomi Pad 5, सेकंड आपका Xiaomi Pad 5 Pro, और फिर आपको देखने मिलता है Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi 10, Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10S, Xiaomi 10 Ultra। ये सब डिवाइसेस को HyperOS 2.2 का अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो HyperOS 2.2 मोस्ट प्रॉब्ली आपका Android 14 और Android 15 के साथ देखने मिलने वाला है। और अगर आपका डिवाइस में अभी Android 13 या Android 14 का अपडेट नहीं आया, मतलब अब ना Android का वर्जन नहीं आएगा और ना आपको HyperOS का नया अपडेट आने वाला है, तो हाँ अगर आपका ये डिवाइस में से होगा तो शायद आपको HyperOS का अपडेट नहीं देखने मिलने वाला ऑफिशियली। अब देखो आ भी सकता है ये ऑफिशियल लिस्ट नहीं है बट हाँ ये मोस्ट प्रॉब्ली हो रहा है। और देखो चलते हैं अब Redmi डिवाइसेस में। तो देखो Redmi डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस में HyperOS 2.2 का अपडेट नहीं मिलेगा, ये कंफर्म रखो, क्योंकि देखो ऐसे ही HyperOS का अपडेट आने में ही बहुत जो ड्रामा हुआ था और बहुत जल्दी बहुत सारा डिवाइस को मिल भी गया था। बट ये जो लिस्ट है इस पर अगर आपका डिवाइस का नाम है तो शायद आपको नहीं मिल सकता, वो आपका Redmi Note 11, जो कि मैं पहले बोल चुका था वो Redmi Note 11 सीरीज़ को शायद इस बार HyperOS का नया अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी मतलब ज़्यादातर Redmi डिवाइस जिसमें भी Redmi Note 11 सीरीज़ में अपडेट है वो Android 13 के साथ ही HyperOS का अपडेट देखने को मिला है। HyperOS का 2.2 का अपडेट तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि Android 14 भी नहीं आएगा, और वो डिवाइस है Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro Plus 5G और Redmi Note 12 Pro 4G। ये सब कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें कि HyperOS 2.0 नहीं देखने मिलेगा, और वो आपका ऑब्वियस है Android 13 है तो Android 14 नहीं आने वाला है। तो अब चलते हैं लास्ट डिवाइसेस जो कि Poco डिवाइसेस हैं। अब देखो Poco M4 Pro 4G, Poco M4 Pro 5G, Poco X4 Pro 5G। तो देखो Poco X4 Pro 5G जो है Redmi Note 11 Pro Plus 5G भी सेम डिवाइस है दोनों, ये डिवाइस में भी नहीं देखने मिलने वाला है HyperOS 2.2 का अपडेट, वही सेम रीज़न है। देखो अगर आपका डिवाइस में HyperOS का अपडेट आया है और Android 13 है, मतलब अब आपको Android 14 का अपडेट नहीं मिलेगा, और Android 14 का अपडेट नहीं मिलेगा तो मोस्ट प्रॉबली आपको जो है HyperOS 2.0 का अपडेट भी नहीं मिलेगा। HyperOS 2.0 और वो आपका बेस है मोस्ट प्रॉबली Android 14, Android 15 में। तो अगर आपका डिवाइस में Android 14 है तो आपको 100% मिल जाएगा HyperOS 2.0, अगर आपका डिवाइस में Android 13 है तो आपको आपका डिवाइस में HyperOS का नया वर्जन का अपडेट नहीं देखने मिलने वाला है। और HyperOS 2.0 में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स चेंजेस होने वाला है ये मुझे जितना पता है, और लीक्स और कुछ ना कुछ ऐप्स अपडेट भी तो देखने को मिल ही रहा है। तो अगर आपको जानना है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें आप कैसे अनेबल कर सकते हैं, अगर आपको अनेबल करना है HyperOS का नया फीचर तो आप अनेबल कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।